पतलू देखना, इन पौधों में कितने सुंदर फूल आएंगे। हाँ हाँ, फूल तो होंगे ही और हरियाली भी बढ़ेगी। हर इंसान को पेड़ पौधे लगाने चाहिए। यहाँ तो कुछ है। अरे पतलू, मिट्टी हटा के देखता हूँ और थोड़ा सा ये हो गया। और थोड़ा हटाना पड़ेगा। इसमें क्या है, खोल के देखता हूँ। अरे ये तो कैमरा है, एकदम नया लग रहा है। कोई बहुत पुराना मॉडल है। चलो इसमें बैटरी डाल के देखते हैं ये चलता है कि नहीं। मैं बैटरी लेके आता हूँ। ये लो बैटरी। ला, पहले मैं फोटो खींचूंगा। पतलू, स्माइल प्लीज। ओके, नाइस पोज। और एक। ये डंडा कहाँ से आ गया? हाँ, ये कैसे आ गया? चलो अब तुम मेरी फोटो खींचो। फोटो हंसो थोड़ा और। अरे ये डंडा ही तो फोटो में आया था, कमाल हो गया। लेकिन ये फोटो तो पहले खींची है, डंडा तो बाद में मेरे मुंह पे लगा है। तुम खड़े रहो, मैं फोटो खींचता हूँ। ये मधुमक्खी का छत्ता कहाँ से आ गया? इस कैमरे में कुछ गड़बड़ तो है। लाओ मुझे दिखाओ। अरे हाँ, ये कैसे हो गया? इस कैमरे में कुछ तो गड़बड़ है। वैसे हमारे बागीचे में एक मधुमक्खी का छत्ता तो है इसी पेड़ पे। मोटू भाग, मधुमक्खी अटैक कर रही है। मोटू, इन मक्खियों से पीछा छुड़ाने का कोई तरीका सोचो। अरे आउच, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती, तुम सोचो। आइडिया। इस कैमरे में वो शूट होता है जो होने वाला है। मुझे डंडा लगने वाला था, वो पहले ही फोटो में आ गया। मेरे सिर पे मधुमक्खी का छत्ता फंसने वाला था, ये पहले से ही फोटो में आ गया। इसका मतलब ये कैमरा भविष्य की बातें बताता है। चलो घसीटा राम की फोटो खींच के देखते हैं कि उसका भविष्य क्या है। ये क्या, घसीटा राम को खजाना मिलने वाला है? चलो उसे पटा के रखते हैं ताकि हम भी उस खजाने में हिस्सा ले सके। हाँ हाँ, जल्दी चलो। जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन, खजाना हो किसी का, लूटेगा उसे जॉन। वाह जॉन वाह, क्या कविता बनाई है, है नंबर दो। हा? कविता को छोड़ दो और घसीटा राम के पीछे चलो फौरन। बहुत गर्मी है। घसीटा जी, मैं पंखा झालता हूँ। नहीं नहीं, घसीटा जी को मैं पंखा झलूंगा। पंखा मेरे आदमी झलेंगे, घसीटा जी की सेवा करना मेरा सौभाग्य होगा। अरे बस करो, क्या कर रहे हो तुम साहब, हमको गर्मी नहीं लग रहा। अरे घसीटा जी को गर्मी नहीं लग रही, छोड़ो उन्हें छोड़ो। ए चाय वाले, जल्दी से गर्मा गर्म समोसा दो, घसीटा राम जी को हम अपने हाथों से खिलाएंगे। कुड़ी बाबा, लगता है इसे भी खजाने की खबर लग गई है। घसीटा जी हमारे दोस्त हैं, उन्हें हम समोसा खिलाएंगे। कुड़ी बाबा,
सीता जी को जल्दी से चाय पिलाओ। हाँ हाँ चाय पिलाओ, हमारे दोस्त को, हमारे भाई को। जला जला, तुम सब पागल तो नहीं हो गया है? मेरा पूरा बदन जला डाला, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। घसीटा जी रुकिए, मैं आपको दवा लगा देता हूँ। हम भी आ रहे हैं घसीटा जी, अकेले मत जाइए, जमाना खराब है, हम आपको पट्टी कर देते हैं। अरे भाया, मैं ये सपना देख रहा हूँ क्या? हम आपके जख्म पे लगाने के लिए पट्टी लाए हैं। पट्टी हम भी लाए हैं, साथ में मलम भी है। उड़ी पापा, तुम सब क्यों मेरा जान के पीछे तुला हुआ है? मेरा पीछा छोड़ दो, मेरे से कोई भूल चूक हो गई है तो माफ कर दो। माफी तो हमें मांगनी चाहिए, हमारे वजह से आपको चोट लगी। मैं आपको दवा लगा देता हूँ। पट्टियाँ हम बांधेंगे। छोड़ो मुझे, छोड़ दो। मम्मी मम्मी चिल्ला रहे थे और मम्मी ही बना दिया। उसे छोड़ दो, वो हमारा है। नहीं, वो हमारा है। अरे भूत, देख के नहीं चल सकते क्या? अरे फौरन भागो, वरना तुम्हें भी दिखना बंद हो जाएगा। वो देखो, आईला, वो क्या है? अरे मिस्र देश, यानी इजिप्ट के राजा को मारने के बाद ऐसे पट्टियों में बांध के रखते थे, उसे मम्मी कहते हैं। ये वही मम्मी है, जिंदा हो गई है। अरे भूत है, भूत भूत भूत। क्या हुआ, तुम सब भाग क्यों रहे हो? रिचिंगम सर, मम्मी मम्मी। क्या हुआ तुम्हारी मम्मी को? भाया मेरी मम्मी को कुछ नहीं हुआ, मम्मी आई है, मम्मी इजिप्ट वाली मम्मी। चिंगम सर भागो, मम्मी आ रही है, भागो। तुम्हारी मम्मी से मैं क्यों डर के भागू? अरे मेरी मम्मी नहीं, वो मिश्रा वाली मम्मी। मिश्रा की मम्मी से मैं क्यों डरूं? अरे मिस्र से उसका मतलब इजिप्ट वाली मम्मी, वो कॉफिन बॉक्स वाली। अरे भागो, वो आ गई, वो आ गई। कमाल, ये मम्मी से डर क्यों रहे है? मम्मी इजिप्ट की हो या इंडिया की, मम्मी तो प्यार करने की चीज होती है, डरने की नहीं। अयो अम्मा, ये वाली मम्मी, मेरे पास मत आना। भूत अम्मा, भूत अम्मा, नो, मेरे पास मत आना। अयो मम्मी बचाओ। अम्मा मम्मी, अम्मा मम्मी पापा। चिंगम सर, आपने किसी मम्मी को देखा? हाँ जल्दी बताइए, हम कब से उसका पीछा कर रहे हैं। वो उधर गई, अंदर। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। मोटू पतलू, हमको तुम दोनों पे नाज आए, पूरी नगर को तुम दोनों की बहादुरी पे नाज आए। मैं तुम्हें सैल्यूट करता हूँ, ऊपर वाला तुम्हारी रक्षा करे, हम तुम्हें अपनी गन से सैल्यूट देगा। बाबा रे, भागा भागा के मेरा दम निकाल दिया उन लोगों ने। मेरा 20 साल का तजुर्बा में ऐसा कभी नहीं हुआ। अरे की, अरे क्यों मुझे सता रहे हो? मैंने क्या गलती कर दी? मुझे माफ कर दो और मेरा पीछा छोड़ दो। हमें तुम्हारे हीरे मोती चाहिए। घसीटा जी, इसे एक मोती मत देना, हम तो आपके पुराने दोस्त हैं, सब हमें देना। तुम सब आधा आधा ले लो, हमारे पास बहुत है। अरे रुको रुको, ये क्या कर रहे हो? मुझे लिखने तो दो कि कौन क्या ले रहा है और कितने दिन के लिए ले रहा है। क्या मतलब कौन कितने दिन के लिए ले रहा है? अरे ये मेरा बिजनेस है, नकली हीरे जोहरात किराए पे देता हूँ,
और पार्ट डे के हिसाब से चार्ज करता हूँ। क्या ये सब नकली है? अरे नकली हीरे मोती के लिए इतना भगाया मुझे, तुम्हारा कैमरा बेकार है, बकवास है। अरे आप तो कोई बता दो कि ये सब क्या हो रहा है। जय फोने राजा, बोलो फोने राजा, सुख संपत्ति घर आवे, हो सुख संपत्ति घर आवे। तुम जब भी बजो राजा, तुम जब भी बजो राजा, बोलो जय फोने राजा, ओ बोलो जय फोने राजा। बड़े भैया लो प्रसाद खा लो। उड़ी बाबा, ये लाड्डू किसके लिए बचा के रखा है, ये भी तो दो। ऊपर वाले का प्रसाद थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं। ये क्या, यहाँ मुफ्त का माल देखा तो चले खाने, चलो भागो यहाँ से। अरे पर मैं तो फोन करने आया था भाई, मैं तो फोन करने आया था। अरे भैया का जब मत कर, मुझे फोन करना है। चलो चलो यहाँ से, फोन नहीं करना मन ने। हाँ चलो चलो। अरे रुको बड़े भैया छोटे भैया, अरे प्रसाद तो खाते जाओ, मैं तो मजाक कर रहा था। रुकिए तो सुनिए तो। अरे मोटू, तुमने खुद प्रसाद खाने के चक्कर में उन सबको भगा दिया। ऊपर वाले का प्रसाद है, मैं ऊपर वाले को ही खिला देता हूँ। ये लीजिए प्रभु, आपका प्रसाद आ रहा है। अरे ऊपर वाले ने अपना प्रसाद मुझे दे दिया है, तो मैं क्या करूं? बजरे बजरे घंटी बज 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 घंटी घंटी बजी। हेलो, लाल बैग का बंदोबस्त हो गया। रॉन्ग नंबर, ये लाल बैग की दुकान नहीं है। हेलो, लाल बैग का बंदोबस्त हो गया। अरे भाई, लाल नीले पीले किसी बैग का बंदोबस्त नहीं हुआ है, कौन हो तुम? एक पैसे की कमाई नहीं हुई और तुम परेशान कर रहे हो। हाँ हाँ, लाल बैग का बंदोबस्त हो गया है, बोलो अब क्या बोलना है। गुड, वेरी गुड। एक घंटे में गार्डन में लाल बैग लेकर आ जाना और अपने 50 लाख ले जाना। जय हो। हाँ, मैं एक घंटे में गार्डन पहुंच जाऊंगा। ओए किसका फोन था? रॉन्ग नंबर था, कोई यूं ही मजाक कर रहा था। अब तुम दोनों यहाँ से जाओ, हमें बहुत काम करना है। ये लाल बैग और 50 लाख का क्या चक्कर है? एक लाल बैग देना है और 50 लाख लेने हैं। जय हो, अब तो जिंदगी भर समोसे खाएंगे। तारा रुरु तारा, तारा रुरु तारा, तारा रुरु तारा। अरे तुम तो जॉन हो, दाढ़ी मुझे कटवा ली क्या? मेरा नाम है बैडमैन, मेरा नाम है बैडमैन, प्यार से लोग मुझे पीएम कहते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? हितेश, गणेश, सुरेश, दिनेश या महेश? बैग ले आया। मेरा नाम है मोटू, प्यार से लोग मुझे मोटू ही कहते हैं। तुमने लाल बैग मांगा था, 50 लाख कहाँ है? बॉम्ब कहाँ है? अरे कौन सा बॉम्ब, तुमने लाल बैग मांगा था। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, हमारे 50 लाख वापस करो या बॉम्ब दो, वरना भागो। अरे मोटो, ये तुमने कहाँ फंसा दिया, जल्दी से कुछ करो। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती, तुम ही कुछ सोचो। आइडिया, 50 लाख तो अब हम इंस्पेक्टर चिंगम को ही देंगे और तुम बॉम्ब उसी से लेना, वो देखो चिंगम आ रहा है। भाग मोटू।
जब चिंगम आ रहा है तो भागने की क्या जरूरत है? कहाँ है चिंगम? वो तो उनका ध्यान हटाने के लिए चाल चली थी। बच के कहाँ जाओगे? बॉस नाश्ते गाते लहोगे तो हमारा रुपया भी जाएगा और चिंगम भी यहाँ आ जाएगा। वो मोटू पतलू का पीछा करते हैं। चलो पतलू एक मिनट, चलो टेबल के नीचे छुपते हैं। मोटू इन गुंडों से बचने के लिए कोई उपाय सोचो। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। अरे तुम्हें तो हर वक्त खाना खाने की पड़ी रहती है। बच के कहाँ जाओगे? खुशबू तुमने मेरे समोसे तो खा लिए, अब अपने भी खाना चाहते हो? हा? मैंने कब खाए? यहाँ नीचे कोई है। कहाँ जाओगे? बॉस गाना बंद करो, उनसे लुपाए लेने हैं। एक मिनट, अब तो तुम्हारे पिताजी भी हमें नहीं पकड़ सकते। चलो हम भाग चलते हैं, उस रुपए को दोनों आधा आधा बांट लेंगे। चलो भागो। पीछे आज ना छोड़ेंगे हम तुमको, खेलेंगे हम होली, खेलेंगे हम होली। होली नहीं बॉस, गोली मालो गोली। बुढ़ी बाबा, वो लोग तेजी से इधर ही आ रहे हैं, झटका कुछ करो। ये रही सुपर रनिंग कैप्सूल, खाओ और भागो। भाई हम इतना तेज भागेंगे कि कोई पकड़ ही नहीं पाएगा। बाबा, डॉक्टर झटका पहली बार तुम्हारा आविष्कार किसी काम का है। मोटू जल्दी कुछ सोच, क्या करे? खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती, तुम ही कुछ सोचो। आइडिया। हेलो हेलो हेलो, चिंगम सर बचाओ जल्दी। तुम कहो, जल्दी बोलो। चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल, हम तुमको बचाएगा। ओए मां, ये क्या हो रहा है जी? ओयो, हिंदुस्तान की कसम, भारत माता की कसम, चोर का नहीं, कौन मेरे ऊपर गिरा? उतारो उतारो। अयो मां, फिर से मेरे ऊपर क्यों गिरा? दो दो बार आसमान से अटैक, इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल। चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल। कौन है जिसने मेरे ऊपर टेबल पे का? सामने आओ। अयो माँ, कभी नारियल फेंकता है तो कभी टेबल फेंकता है, एक चीज फेंको, चलो फेंको। उड़ी बाबा, डॉक्टर झटका, 20 साल में पहली बार तुम्हारा दवा के चक्कर में हम फंस गया, मेरा पैर रुक ही नहीं रहा। अरे रोको, भागते भागते हम थक गया।
ओ कसम मेरे मरीजों की, दवा का असर खत्म होते ही हम रुक जाएंगे और फिर 50 लाख से जिंदगी भर मजे करेंगे। हाँ, डॉक्टर झटका अब मजा आएगा। बुरी बाबा मजा गया। हाँ हाँ मजा आ गया। मजा आ गया नहीं, मजा गया। लाखों का बैग हवा में उड़ गया। क्या बैग उड़ गया? अरे तो हम भाग क्यों रहे हैं? अरे रुको रुको, बैग पकड़ो। अरे रुके कैसे, तुम्हारा दवा रुकने नहीं दे रहा, तुम्हारा दवा का असर खत्म ही नहीं हो रहा। कोई बचाओ, रोको। हमला हुआ है, हमला, भागो। हमला नहीं, ये हमारा 50 लाख का बैग मिल गया। बॉस नाश्ता गाना बंद करो, चिंगम कभी भी आ सकता है। तुमने आसमान से हमारा बैग नीचे फेंक के हमें दे दिया। सबको मालूम है कि चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल, बोले तो ये इम्पॉसिबल, फिर भी तुम लोग भाग तक क्यों है रे? अब भी बोलो, या क्या गड़बड़ाई? चिंगम सर, ये बैड मैन है, ये भुरपुरी नगर में बॉम्ब ब्लास्ट करना चाहता था और बॉम्ब खरीदने के लिए 50 लाख लाया था, ये देखो। बैडमैन, तुम्हें तो पूरे देश की पुलिस ढूंढ रही है। मोटू पतलू, तुम्हें इनके बारे में पता कैसे चला? ये बड़ी लंबी दर्द भरी कहानी है सर, ना ही पूछो तो अच्छा है। ओके, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, शुक्र है कहा कि अंत अच्छा हुआ है। कहानी का अंत तो तब होगा जब झटका और घसीटा राम मिलेंगे, लेकिन पता नहीं इस वक्त तो कहाँ है। हे ऊपर वाला, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद, इस बेकार डॉक्टर की बेकार दवा का असर खत्म हो गया। वाह, कितना अच्छा मौसम है, यहाँ तो बर्फ भी गिर रहा है। झटका, हम कहाँ आ गए हैं? अरे डॉक्टर झटका मरवा दिया, दौड़ाते दौड़ाते माउंट एवरेस्ट पहुँचा दिया। कोई बचाओ। हेलो, माय टेस्टिंग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। बस करो, अब जिंदगी भर माय टेस्टिंग ही करते रहोगे, हैं? मैं चिंगम सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो रिबन काट के हमारे डिटेक्टिव एजेंसी का मुहूर्त करे। All the best. आज मैं बहुत खुश हूँ। उड़ी बाबा। ओए मार चुतिया है। अरे ये बस भी करो। अरे ये सब क्या हो रहा है? नाच गाना बाद में कर लेना, अब रुक भी जाओ। कुछ करो, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। आइडिया, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि हम बच गए। ओए मोटू पतलू, मेरे यार, मेरे भाई, ये लो तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, और जो तुम्हारे जासूसी के काम में मदद देगा। ओए ये डॉग कैसा है? ये रोबोट डॉग है, इसका नाम रोडो है। ये जिस घर में चोरी होगी ना, उस घर वालों की महक पहचान लेगा
और फिर चोर की महक सूंघ के उसे पकड़ लेगा यार। और ये रिवॉल्वर कैसी है? अरे ये क्या मुसीबत है, नीचे उतारो। चिंगम सर, आप क्या गिफ्ट लाए हैं? मैं तुम्हारे लिए नारियल लाया हूँ, एक मिनट। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। अभी मैं जाता हूँ, मुझे बहुत काम है। अगर यहाँ रुका तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। हेलो, यस, हाँ, कहीं चोरी हो गई है, मुझे जाना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट। या मोटू पतलू डिटेक्टिव एजेंसी। या ओके, अभी आते हैं। जय हो, पहला केस मिल गया, किसी के घर में चोरी हुई है, चोर को पकड़ना है। अरे चोर पकड़ने का हमारा 20 साल का तजुर्बा है। इस रोबोट डॉग रोडो को साथ ले जाओ, ये चोर को सूंघ के पकड़ लेगा। और मुझे तुम्हें सिखाना पड़ेगा कि इसे कैसे ऑपरेट करते हैं। मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मिसेज शर्मा के जेवर अब हमारे हो गए। मिस्टर एंड मिसेज शर्मा अब बेचारे हो गए। वाह बॉस वाह, क्या कविता बनाई है, है ना नंबर दो? हाँ? बेवकूफो, कल रात को हमने ये जेवर मिसेज शर्मा के यहाँ से चुराए और अब तक तुमने कहीं छुपाने का बंदोबस्त नहीं किया। मिसेज शर्मा ने अभी तक मोटू पतलू को खबर कर दी होगी। सुना है उन्होंने डिटेक्टिव एजेंसी भी खोली है। बॉस चलो कुछ दिन के लिए यहाँ से कहीं दूर भाग चलते हैं, अपने साथ इस नंबर दो को भी ले चलते हैं। वाह बॉस वाह, आपके साथ रह के मैंने भी कविता बनानी सीख ली। कविता का पीछा छोड़ो और यहाँ से भागने की तैयारी करो। आप चिंता मत कीजिए, हमारा रोबोट डॉग चोर पकड़ने के लिए ही बना है, स्पेशली आपके लिए बनवाया है। चल मेरे रोडो, टिक टिक टिक, चोर पकड़ ले, क्विक क्विक क्विक। ओए जब वो टांग उठाता है इसका मतलब है उसने चोर की महक सूंघ ली है। चोर चोर, वो दोनों चोर, पकड़ो पकड़ो। ओए मोटू पतलू भागो, ये तुम्हें ही चोर समझ रहा है। बचाओ। ओ सॉरी, इसने तुम्हारे पैरों की महक सूंघ ली और तुम्हें ही चोर समझ लिया यार। अरे बातें बंद करो, बचाओ। चोर चोर अरे ये अपने बनाने वाले को नहीं छोड़ रहा है तो हमारा क्या हाल करेगा। भागो। चोर चोर पकड़ो पकड़ो, चोर चोर। अरे झटका ने ये रोबोट चोर पकड़ने के लिए बनाया है या जासूस पकड़ने के लिए? तुम एकदम ठीक कह रहे हो, जल्दी से कुछ करो मोटू। अरे मैं क्या करूं, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती। आइडिया। सामने दुश्मन, सामने दुश्मन, अटैक अटैक। अटैक अटैक। ये भी कोई बात हुई, चोर को पकड़ने की जगह जासूस को ही पकड़ लिया। देखो ना, हमारी हड्डी पसली तोड़ने के बाद कैसे उछल कूद कर रहा है।
बड़े भैया इसे घर ले जाओ, ये तो हमें ही मार देगा। ओ सॉरी मोटू, चिंता मत करो, अब ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा। अब तुम्हारी और मिसेस शर्मा की स्मेल ये पहचान चुका है, इस बार ये चोर को ही पकड़ेगा। कोई इसकी चेन पकड़ के रखना वरना ये भाग जाएगा। चल मोटू चढ़ जा सूली पे। जब ओखली में सर दिया है तो मुसल से क्या डरना। मेरे से क्या दुश्मनी है। ओए मुबारक हो, इसने चोर की महक सूंघ ली है। सामने दुश्मन, सामने दुश्मन, अटैक अटैक। मोटू बचाओ, बचाओ। बड़े भैया बचाओ, इसे रोकने का कोई बटन तो बताओ। रोकने का बटन नहीं लगा है, ओए तुम ही कुछ करो। अरे क्या करूं, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। पतलू तुम ही कुछ सोचो। अरे उस रिवॉल्वर से रोको वो जो डॉक्टर झटका ने दी है। डॉक्टर झटका, बड़े भैया रोको, बचाओ। ये डॉग की मेरा पीछा क्यों कर रहा है, भागो यहाँ से। चोरी ही तो की है, कोई डाका तो नहीं डाला, फिर चिंगम इतनी बड़ी फौज लेके क्यों आया। वाह बॉस वाह, क्या कविता बनाई है, है ना नंबर दो। है? अरे कविता छोड़, सामने देख गाड़ी चला। घुड़सवारी तो किया था लेकिन ये डॉगी सवारी जिंदगी में पहली बार कर रहा हूँ। स्टॉप, स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ। भैया चिकन सर बचाओ। भैया भैया भैया, अरे पहले खुद को तो बचा लू। जॉन जॉन पकड़ो पकड़ाओ, जॉन जॉन पकड़ो पकड़ाओ। शिकार करने को आया था, शिकार हो के चला। बस बस अब और नहीं सह पाऊंगा। वाह बॉस वाह, क्या कविता बनाई है ना नंबर दो। हाँ? जॉन तुमको मालूम है चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल, बोले तो ये इम्पॉसिबल। थैंक गॉड मेरे गहने जेवर मिल गए। इंस्पेक्टर चिंगम, आप इस केस में कैसे आ गए, ये केस तो हमें मिला था। मिसेस शर्मा ने पहले मुझे रिपोर्ट किया, मैंने तिजोरी का इंस्पेक्शन किया और मिसेस शर्मा को बोला कि तुम दोनों को ये केस दे दे। बोला 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 चोर चोर पकड़ो पकड़ो, चोर चोर पकड़ो पकड़ो। चिंगम सर भागो। लेकिन क्यों, व्हाई, मैं क्यों भागू। अरे कोई बताओ तो सही कि मैं क्यों भाग रहा हूँ। चोर चोर पकड़ो पकड़ो, चोर 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 पकड़ो पकड़ो, चोर चोर। अरे अरे पीछे नहीं आने का, पीछे नहीं आने का। अरे कोई बताओ तो सही कि मैं क्यों भाग रहा हूँ। भागो। आज नगद कल उधार, आज तो कैश देना ही पड़ेगा। बड़े भैया जल्दी से गर्मा गर्म समोसे खिलाओ और ये टेबल भी साफ कर दो। अरे सर सर, आइए आइए बैठिए, गर्मा गर्म समोसे बनाए हैं, खा के जरूर देखिएगा। ये क्या बात है, हमने पहले समोसा मांगा था, पहले हमें दो। मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, अब तुम ही बोलो पहले समोसा खाएगा कौन। पहले मैं खाऊंगा,
हिम्मत है तो ले लो। उसे समोसा छीनो। रुक। बस बस समोसे खा लो जल्दी जल्दी। अरे कैसे खा लो, दोनों हाथों में तो थाल पकड़ा है। चाहो। हमारी बेइज्जती और तुम्हारी इतनी इज्जत क्यों? आखिर क्यों? मैं हूँ डॉन। डॉन बनना आसान काम नहीं, इसके लिए बड़ी कठिन तपस्या और मेहनत की जरूरत होती है। डॉन बनना कौन सा बड़ा काम है? दो चार चोरियां कर लो, डाके डाल लो और बन गए डॉन। अगर है हिम्मत तो डॉन बन के दिखाओ, हो जाए चैलेंज। तू तो है अभी छोटा, मैं बड़ा डॉन बन के दिखाऊंगा, तेरा ये घमंडी सिर अपने आगे झुकाऊंगा। वाह बॉस वाह, नए डॉन ने क्या कविता कही है। शट अप, वो डॉन नहीं, मैं हूँ डॉन। मोटू रुको, मोटू। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मोटू बनेगा डॉन। बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, सोच लो। मोटू सिर्फ एक बैंक लूट लो, सब तुम्हें डॉन कहेंगे, डॉन। हाँ अच्छा आइडिया है, मैं एक बैग लूट के डॉन बनूंगा। ये गलत काम है, ऐसा मत करो। चल भाग यहाँ से। जल्दी करो, रुपयों को बैग इधर करो। अरे निकालो मुझे। उस हाथ गाड़ी में बैठ के भागते हैं। अरे कम अकलो, गाड़ी को धक्का कौन मारेगा? जॉन द डॉन बैंक लूट के ले गया। चलो अच्छा हुआ, अब हम घर चलते हैं। नहीं, हम जॉन द डॉन को लूटेंगे, डॉन को लूट के डॉन बनेंगे, चलो। अरे वो तो भाग गया, अब क्या करोगे मोटू? खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ सोचो। आइडिया। मोटू ये रुकती कैसे है? मालूम नहीं, ये तो उछलती ही जा रही है। वो देखो सामने जॉन द डॉन। जॉन का पता नहीं और हम लापता होने जा रहे हैं। जल्दी इसे रोकने का तरीका ढूंढो। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती। चिंगम सर बचाओ। अयो मार, ये क्या हो रहा है? चिंगम सर, हम पोगो स्टिक में उछल रहे हैं। मेरी उछलने कूदने की उम्र नहीं है। आई से स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ, रुक जाओ। ये सब क्या हो रहा है जी? रुक जाओ, तुम्हें कानून की कसम, भारत माता की कसम। हम जॉन द डॉन का पीछा कर रहे हैं, वो बैंक लूट के ले गया। ये सब उल्टा पुल्टा हो गया, डॉन बनने चले थे और हीरो बन गए। शायद ऊपर वाले को यही मंजूर है। कंटेनर यार्ड में सोने की स्मगलिंग होती है, सोना लूटो और डॉन बन जाओ। यस यस, कंटेनर यार्ड में से सोना लूटेंगे। अरे नहीं मोटू नहीं, अब बंद करो ये सब। चल भाग यहाँ से रोंदू, जब देखो रोता रहता है। कंटेनर नंबर 420 में ये दो चाबियां लगाओ, उसके अंदर सोना रखा है, जाओ और ले लो।
कंटेनर नंबर 420। अरे बाबा, जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। पकड़ो उसे, उससे चाबी छीनो। कंटेनर नंबर 420, जय हो। अब मोटू बनेगा डॉन, मोटू बनेगा डॉन। पकड़ो उसे, उससे चाबी छीनो। अरे हिंदुस्तान की कसम छोड़ूंगा नहीं। कौन है रे? अरे माँ, क्या बार बार इंस्टॉलमेंट में मार रहे हो? एक बार में मारो। रुक जाओ, मुझे गोली चलाने पे मजबूर मत करो। मेरी गोली अगर एक बार चल गई तो अपना शिकार करके ही आती आए। अरे माँ, मेरी ही गोली मेरा ही शिकार करने को आता। स्टॉप गोली, इन द नेम ऑफ लॉ, गोली स्टॉप। गोली जी रुक जाओ जी, प्लीज स्टॉप। अयो, कोई मुझे गोली से बचाओ। अरे किसने मारा? कौन है? खाली पेट मेरे ताकि अपनी नहीं चलती। You are under arrest. अंदर बहुत अंधेरा था, कुछ दिख ही नहीं रहा था। कौन किसे मार रहा है पता ही नहीं चल रहा था। अरे अंदर भी नारियल गिर रहे थे। अरे मैं क्यों भाग रहा हूँ? आई एम इंस्पेक्टर। लेकिन ये जॉन मोटू के पीछे क्यों भागा? मोटू तो जॉन के पीछे भागता है। वो देखो कंटेनर नंबर 420, उसे यहाँ से हटा दो जल्दी। वो देखो कंटेनर नंबर 420। उन्हें खींच के, अरे खींच के उतारो जल्दी। भैया माँ, ये सब कहाँ जा रहे हैं? चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल। भैया कुछ तो गड़बड़ा है। मोटू पतलू जॉन के पीछे है या जॉन मोटू पतलू के पीछे? अगर मोटू पतलू जॉन के पीछे है तो जॉन आगे होना चाहिए। अगर मोटू पतलू आगे है इसका मतलब जॉन उनके पीछे है, और जॉन के पीछे मैं, और मेरे पीछे भैया माँ। मैं और देर नहीं लटक सकता, मेरा हाथ छूट रहा है। हाथ नहीं छोड़ना, वरना हम सबको दुनिया पड़ेगी छोड़ना। वाह बॉस वाह, क्या कविता बनाई है, है ना नंबर दो? कविता के बच्चे, ऊपर पतलू का पैर किसने पकड़ा है? चिंगम सर, चिंगम सर, हमने जॉन को पकड़ लिया, वो सोने की स्मगलिंग कर रहा था। मोटू पतलू, तुम दोनों बहुत बहादुर हो, ग्रेट हो, वाह वाह, तुम दोनों तोप हो, पुरपुरी नगर की होप हो, वाह। नहीं नहीं, ये सब गलत हो रहा है। मैं तो डॉन बनना चाहता था, लेकिन हर बार हीरो बन जाता हूँ। मोटू डॉन बनना बहुत आसान है, लेकिन हीरो बनना, एक अच्छा इंसान बनना बहुत मुश्किल है। तुम्हें मिलेगा इनाम, और डॉन को मिलेगा जेल की चक्की। चलो। और सोना किसको मिलेगा? सोना? सोना कहाँ है? थैंक यू। पतलू बहुत जोर से भूख लग रही है, कुछ खाने का बंदोबस्त करो यार। अरे तुम्हें भूख कब नहीं लगती? तुम्हारा पेट नहीं गोदाम है, जितना डालो उतना कम है। अरे वाह,
मोटू, मुर्गी पकड़ने का कोई आइडिया बता। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ सोचो। सोचना क्या है, डायरेक्ट हमला करो। क्या मोटू, तुम एक मुर्गी भी नहीं पकड़ सकते? अब देखो मेरा कमाल। मोटू रोको, रोको उसे। क्या इसने बोला जानू हेल्प? सुना तो ऐसा ही, लेकिन ये कैसे हो सकता है? ये जानू तो बड़ा खतरनाक है। पतलू पतलू भागो। अरे कहाँ हो? अरे मोटू, मैं भाग चुका हूँ। तुम नहीं भागोगे तो वो तुम्हारा तंदूरी बना देगा। चोर सिपाही खेलता है। अरे एक मुर्गी पकड़ने गए तो उसके मुर्गे ने दौड़ा दौड़ा के मारा। उड़ी बाबा, मेरा 20 साल का तजुर्बा में ऐसा कभी नहीं सुना। अरे मुर्गी पकड़ने का चीज नहीं, पालने का चीज होता है। तू मुर्गी पाल के करोड़पति बन सकता है। वो कैसे? बताओ बताओ, मुझे करोड़पति बनना बहुत अच्छा लगता है। देखो, तुम 5 मुर्गी पाल लो, वो अंडे देगी, उसमें से बच्चे निकलेंगे, 5 का 10 हो जाएगा। फिर ऐसे ही 10 का 20, 20 का 40, 40 का 80, और देखते देखते हजारों मुर्गियां हो जाएंगी। जय हो, ये आइडिया बहुत अच्छा है। क्यों बदलू? आइडिया तो अच्छा है, लेकिन घसीटा राम के आइडिया से हमेशा डर लगता है। ओहो, तुम तो बेकार में ही डरते हो। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। चलो घसीटा राम मुर्गियां खरीदने। पतलू, 1 घंटा हो गया, इन्होंने 1 अंडा भी नहीं दिया। अरे थोड़ा सबर करो मोटू, तुम्हें तो हर काम की जल्दी रहती है। जल्दी का काम शैतान का होता है। ओए मोटू, मेरे भाई, मेरे दोस्त, क्या हो रहा है? बड़े भैया की जय हो, हमने मुर्गियां पाली है लेकिन एक भी मुर्गी अंडा नहीं दे रही। ओए मोटू, मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये पाउडर दानों में मिला के रोज रोज 1-1 चम्मच मुर्गियों को खिलाओ, फिर देखो इनमें इतनी ताकत आ जाएगी कि ये जल्दी जल्दी अंडे देंगी। और जय हो बड़े भैया, अब जल्दी से वो दवा दे दो। ओ ये क्या किया मोटू, वो दवा रोज 1 चम्मच खिलानी थी, तुमने तो सब एक साथ ही खिला दी। मुझे जल्दी से अमीर बनना है, मुर्गियाँ जल्दी से अंडे देंगी। ये क्या हुआ, कैसे हुआ? अरे डॉक्टर झटका ने इन्हें क्या खिला दिया? उड़ी बाबा, मेरा 20 साल का तजुर्बा में ऐसा पहली बार देखा। तो गिर गए, तो बाकी है, इनका भी हिसाब कर दो। उड़ी बाबा, कसम मेरे मरीजों की, बचाओ। नहीं नहीं, अब ये मत कहना कि वो कार चला के जाएंगी। नहीं कहूँगा, खुद देख लो। अरे उन्हें पकड़ो, वो बॉक्सर की कार ले गई। अरे मोटू जल्दी से कुछ करो। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती, तुम ही कुछ सोचो। आइडिया। हेलो चिंगम सर। The name is Chingam. Chingam के चंगुल से बचना impossible. बोले तो impossible. अब बोलो 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 बोलो. किसने चोरी किया बॉक्सर का कार? 5 मुर्गियां हैं। डॉक्टर झटका की दवा खा के वो सुपरमैन की तरह सुपर मुर्गियां बन चुकी हैं। तुम लोग मेरे साथ मजाक करते क्या? आज तो अप्रैल फूल भी नहीं आए हैं।
वो देखिए कार आ रही है, खुद ही देख लीजिए। ये कैसे हो सकता है? ये इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल। वापस लो वरना गए काम से। अब देखो चिंगम के मोबाइल का कमाल। रुक जाओ, चिंगम के चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। आज तुम नहीं या मैं नहीं। बचो। पुलिस बुलाओ, पुलिस। ए रुको, ये क्या हो रहा है भाया? अरे मैं सपना तो नहीं देख रहा। ए रुक जाओ, मुफ्त का माल नहीं है जो दबाए जा रहे हो, पैसे कौन देगा? अरे चिंगम सर बचाइए। अरे वो मुर्गियाँ मेरी दुकान लूट रही है। मैं तुम्हें क्या बचाऊँ, वो मेरी मोबाइल चुरा के लाई है, मैं किसको रिपोर्ट करूँ? मोटू जल्दी से कुछ करो। मैं क्या करूँ, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ सोचो। आइडिया। अरे मुर्गियों, इस दुकान के समोसे बहुत स्वादिष्ट हैं। मेरे समोसों को कोई नहीं खा सकता, उन पर मेरा हक है, सिर्फ मेरा। अगर तुमने उन्हें हाथ भी लगाया तो अरे मेरी बात तो खत्म करने देते, मैं तैयार नहीं था। पतलू तुम इन्हें समझाओ कि मेरे समोसों को खाने का अंजाम क्या होता है। सुनो सुनो, मोटू ने समझाने को कहा है। और कोई है? आइडिया, अब देखो मेरा कमाल, मोटू तेरे नाम समोसे। समोसे 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 समोसे। समोसों को हाथ लगाने का अंजाम यही होता है। ये इतनी सुस्त क्यों हो गई? ओए मेरी इस दवा का असर खत्म हो गया, कसम मेरे मरीजों की, अब ये दवा किसी मुर्गी को नहीं खिलाऊंगा। मेरी सारी दवाइयाँ खा गई। अब क्या होगा? भागो। कौन है? दरवाजा तोड़ने में लगा है। आ रहा हूँ, रुक जाओ।
अरे दरवाजा खोलो, हम अपना पैसा लेकर ही जाएंगे। अरे खोलो वरना दरवाजा तोड़ देंगे। अरे किससे डर के दरवाजा बंद कर दिया, अभी देखता हूँ। अरे बताना तो था ना कि बाहर कौन है। आज मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा, बाहर निकलो। तुम्हारी टांग तोड़ देंगे। कौन नोच लूंगी, सर फोड़ दूंगा। मोटू हमारे बदन का हर पार्ट बुक हो गया है, जल्दी से कुछ करो वरना हमारे बदन में कुछ नहीं बचेगा। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती, तुम ही कुछ करो। आइडिया। अरे अंदर क्या बैठे हो, अरे बाहर निकलो। तुम कौन हो? I am Maori, dear housemate. मैं इनका खाना पकाती हूँ। उन्होंने मेरी सैलरी भी नहीं दी है, वो बीच के खिड़की से भागने वाले हैं। हमारे पैसे नहीं देते, घर में नौकरानी रखी है। चलो पीछे, जल्दी चलो। प्लीज उन्हें पकड़ के मेरी भी सैलरी दिलवा दो। जल्दी जाओ बाबा पीछे, नहीं तो वो भाग जाएंगे। ये सुंदर लड़की कौन है? ये सुंदर लड़की मैं हूँ। घसीटा राम हमें बचा लो, हम बहुत मुसीबत में हैं। पैसे मांगने वाले हमें ढूंढ रहे हैं। इतनी भूख लगी है लेकिन समोसे भी नहीं खा सकते, हम क्या करें? अरे बाबा तुम चिंता मत करो, पैसा मांगने वालों से निपटने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। देखो तुम दोनों कोई और भेष बना के घूमो, फिर तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। लेकिन हम किसका भेष रखे और कैसे रखे? हाँ हम लड़की बनके तो हमेशा नहीं घूम सकते, भेष बदलने का मेरा 20 साल का तजुर्बा है। हम अखबार में तो फोटो देखा था, हम अभी तुम्हारा भेष बदल देता है। सीताराम तुम तो कमाल के आदमी हो, अब तो हमें कोई नहीं पहचान सकता। थैंक यू घसीटाराम, लेकिन हमारा नाम क्या होगा? मोटू का नाम है आमिर चंद और तुम्हारा नाम है फोकिर चंद। अब चलो सीधा चाय वाले की दुकान में, देखता है वो तुमको पहचान पाता है कि नहीं। मैं नहीं रुक सकता, खुशबू। अरे क्या कर रहे हो मोटू, ऐसी हरकत करोगे तो कोई भी तुम्हें पहचान लेगा। घसीटा राम जी, अगर मोटू पतलू दिखे तो बताना, उनकी टांग तोड़ दूंगी, मेरे पैसे ही नहीं दे रहे। इससे पहले कि ये पहचान ले चलो यहाँ से। हेलो, चिंगम ने भी हमें नहीं पहचाना, अब तो हमें कोई भी नहीं पहचान पाएगा। अब हमारे दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। भैया माँ, ये तो आमिर चंद फकीर चंद है, जिन्हें देखते ही गोली मारने का हुक्म आया। लगता है अब सुख भरे दिन बीते रे भैया, दुख आयो रे। अरे इसे क्या हो गया? हे, हे, हे। रुक जाओ, रुक जाओ। ओ, इंस्पेक्टर चिंगा किसी अपराधी को पकड़ने जा रहा है, अगर मैं उसकी मदद कर दूं तो मुझे पुलिस में नौकरी मिल जाएगी और मैं होऊंगा। चोर चोर पकड़ो पकड़ो। अरे मां मेरे पीछे ये डॉगी क्यों पड़ा है? ये क्या हस्पुर डॉगी बॉग, अय्या माँ डॉगी से बचाओ। नीचे आओ इंस्पेक्टर साहब, नीचे आओ, उसे पकड़ना है। ये तो किसी काम का नहीं, मुझे ही कुछ करना होगा। पतलू एक मिनट, चलो नीचे छुपते हैं। ये क्या मुसीबत है, चिंगम जरूर हमें कोई अपराधी समझ रहा है। मोटू अब क्या करे? खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती, तुम ही कुछ सोचो। आइडिया, ये गेटअप उतार दो, चिंगम से पीछा छूट जाए तो फिर से ये भेस रख लेंगे।
भेस रखा तो चिंगम पीछे पड़ गया, भेस उतारा तो ये सब आ रहे हैं। मोटू जल्दी कुछ करो। अरे मैं क्या करूँ, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ सोचो। वो देखो मोटू बत्तू। मारो, छोड़ना मत। आइडिया। अरे ये क्या कर दिया। उन लोगों की मार खाने से अच्छा है कि मोटर बोट में खुली हवा खाए। अरे क्या कर रहे हो, थोड़ा सा और बस। इतना बड़ा समोसा नहीं। जल्दी से अपना गेटअप चेंज करो वरना वो लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। रुक जाओ नहीं तो गोली मार दूंगा। वो रहे अपराधी, अभी भी पुलिस स्टॉक बनने का चांस है। ये इंस्पेक्टर किसी काम का नहीं, लगता है मुझे ही इंस्पेक्टर बनना पड़ेगा। हिंदुस्तान की कसम, भारत माता की कसम, छोड़ूंगा नहीं। मोती की चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। अब इस डॉगी को क्या हुआ, ये क्यों हमारे पीछे पड़ा है। आज का दिन ही बुरा है, जिसे देखो वही हमारे पीछे पड़ा है। Stop in the name of law, मेरे चंगुल से बचना ये इम्पॉसिबल। ये पुलिस की नौकरी खतरनाक है। शुक्र है सब पीछे रह गए। एक बाकी है, उसने हमारा पीछा ना छोड़ने की कसम खाई है। रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। मुझे इंस्पेक्टर की मदद करनी चाहिए। एक से भले चिंगम सर, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे माँ, ये डॉगी मेरे पीछे क्यों पड़ा है जी। बचाओ, इस डॉग के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। हस, उर, ये क्या हो रहा है जी, सब गड़बड़ मेरे साथ ही क्यों होता है जी। यम्मा, हम उस पुल से टकराने वाले हैं, जल्दी कुछ करो। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती, तुम ही कुछ सोचो। आइडिया, स्पीड बढ़ा दो, हम पुल के ऊपर से जाएंगे। चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। अब बोलो 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 बोलो, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। कौन है रे तुम, मोटू पतलू तुम? सर हमने आपका क्या बिगाड़ा है, आप हमें गोली क्यों मार रहे थे। अमीर चंद फकीर चंद दो खतरनाक अपराधी, इन्हें देखते ही गोली मारने का आदेश है। तुम दोनों की वजह से मैं बहुत भागा हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरे चंगुल से भी बचना इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। भागो।